वालेकुम। अच्छा गाइज, अब मैं बताने लगी हूँ अबाउट द स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ ईयर। ठीक है जी, मैंने आपको ईएनटी की जनरल हिस्ट्री के बारे में बता दी। जब आपने ईयर की स्पेसिफिक हिस्ट्री पूछनी हो तो आपने क्या कहना है, ठीक है? बाकी सारी जनरल आपने वही बातें याद रखनी है। डॉप्सा का रूल आपने याद रखना है जो मैंने आपको ईएनटी में बता दी, कि ड्यूरेशन, ऑनसेट प्रोग्रेशन, सिवेरिटी और एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स आपने पूछने होते हैं। जनरल हिस्ट्री के पॉइंट्स हुई हैं। अब सपोज आपको पेशेंट के, जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछी तो पेशेंट ने आपको बताया कि उसको कान में दर्द है। ठीक है जी, एक तो कान में दर्द उसने बताया, साथ उसने बता दिया आपको कि कान से कुछ पस सी भी आती है। ठीक है, पेशेंट्स नॉर्मली पस कहते हैं या पानी गीला, कान गीला रहता है, कुछ भी आपको इस तरह उसने बता दिया। लेकिन उसने आपको एक ईयर एक की हिस्ट्री दी। ईयर ए के पेशेंट को वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते से, और वो कह रहे हैं कि आप उसको जो है वो सपोज कह रहे हैं कि 2 दिन से कान गीला भी है, गीला गीला महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये पेशेंट ने आपको डिस्चार्ज और ईयर ए की हिस्ट्री दे दी। अब जब आपने पेशेंट से ईयर का पेशेंट आ गया ना आपके पास, तो आपने ईयर की हिस्ट्री में आपने फिर ईयर के बाकी पॉइंट्स भी पूछने। पहले तो आपने इन दोनों चीज़ों पर डॉप्सा लगा के इनको पूरी डिटेल में पूछना है ना, ड्यूरेशन, ऑनसेट प्रोग्रेशन, सिवेरिटी, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग फैक्टर, सब कुछ पूछना है। जब आपने ईयर की स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछने हो तो आपके पास सिर्फ एक छोटा सा निमोनिक है, बहुत आसान सा, जिससे आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या आप ऐसे लिखें, टी द टीवी। ठीक है जी, ये आपका निमोनिक है, इतना सिंपल सा। इससे अभी आपके सारी ईयर की हिस्ट्री कवर हो जाएगी। किस तरह आपने क्या क्या पूछते जाना है पेशेंट से, ट्रॉमा का पूछना है, कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा किसी भी किस्म का हो सकता है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, सर्जिकल ट्रॉमा हो सकता है, कान में कुछ मारते हुए कोई चीज़ तो नहीं लग गई थी, कि कोई कॉटन बर्ड या फिर कोई माचिस की तीली वगैरह कुछ भी मार रहे थे, किसी भी चीज़ का ट्रॉमा। पहली चीज़ आपने ट्रॉमा पूछ लेनी है। फिर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की हिस्ट्री तो पेशेंट ने वैसे ही दे दी है, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि ईयर की हिस्ट्री के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। फिर आपने पूछ लिया ईयर एक का, ठीक है, ए स्टैंड फॉर एक। फिर आपने अगली चीज़ पूछनी है ऑरल फुलनेस, कान भरा भरा तो नहीं महसूस होता, बिल्कुल ऐसे भरा हुआ जो फीलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी अपनी चीज़ पूछनी है हेयरिंग लॉस, सुनाई तो नहीं कम देता, सही सुनाई देता है। अगली आपने पूछनी है टिनाइटिस। टिनाइटिस आप हमेशा पेशेंट से इस तरह पूछते थे कि आपके कानों में घंटियां बजती हुई आवाज महसूस तो नहीं होती। और आखिरी चीज़ है वर्टाइगो। वर्टाइगो चक्कर तो नहीं आते, ऐसे तो नहीं लगता आपके सामने सब कुछ गिरने लगा या आप गिरने लगे हैं। तो ये आपकी ईयर की हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, आपने याद रखना ये निमोनिक टी द टीवी, और इसके साथ आपने ये सारी बातें पूछनी है। आपकी ईयर की हिस्ट्री सेकंड में खत्म हो जाती है, बिकॉज आपके जब ईएनटी का टॉक स्टेशन आता है और अगर स्पेसिफिकली ईयर का पेशेंट आ जाए तो आपसे ईयर की हिस्ट्री ही समझी जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको आती होगी, बजाय सारी जनरल हिस्ट्री का पॉइंट्स के। तो आपको ये बहुत जरूरी आनी चाहिए। मैं नोज और थ्रोट की भी अलग अलग पार्ट में बताती हूँ। फिर एनी क्वेरी अबाउट दिस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।